A particle is projected from the ground with an initial speed v at an angle theta with the horizontal. Horizontal से theta angle पे initial speed v से एक particle को project कर रहे हैं. Velocity v है और angle कितना दिया आपको theta. ठीक, तो किस तरह का motion होगा उसका, इस तरह का कुछ motion होगा. इस तरह का उसका कुछ मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन. आपसे पूछ ही रहे हैं द एवरेज वेलोसिटी, पूछ रहे हैं आपसे ऑफ द पार्टिकल बिटवीन इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाइट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी. पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ए और जो हाईएस्ट पॉइंट ट्रेजेक्टरी का बी, इन दोनों के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी. ठीक, तो इसकी जो रेंज है वो आर होगी. तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाए, ढंग से समझना, अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाए तो डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे इसको, ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. और ये होगा कितना, तो ये हम पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं. इसकी ये जो हाइट है वो एच मैक्स एच है और ये जो डिस्टेंस होगी ये आर बाई टू होगी. और टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, वो होगा टी बाई टू. तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा, एवरेज वेलोसिटी, वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा अंडर रूट ऑफ आर बाई टू का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है टी बाई टू. अब जरा इसमें सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल है अब ये. तो सारी वैल्यू पुट करते हैं. आर बाई टू ये बनेगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा होता है, तो उसको टू साइन थीटा कॉस थीटा कर लेते हैं. टू से टू ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इस टू से वो वाला टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो ये बनेगा साइन टू पावर फोर थीटा अपॉन टू जी, तो ये बनेगा फोर जी स्क्वायर अपॉन टी बाई टू. टी बाई टू कितना होता है, टू यू साइन थीटा बाई जी, तो टी बाई टू हो जाएगा यू साइन थीटा बाई जी. अब समझना कैंसिल क्या क्या आउट, कैंसिल क्या क्या हो जाएगा. तो ये जी स्क्वायर और जी स्क्वायर कॉमन लेके जी से कैंसिल आउट हो जाएगा. एक साइन स्क्वायर थीटा और एक यहाँ से साइन स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ स्क्वायर बच जाएगा और इस साइन थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा. यू स्क्वायर और यू स्क्वायर कॉमन लेके इस यू से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो जो आपका बचेगा अंदर वो बचेगा अंडर रूट ऑफ, यहाँ बच रहा है सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बच रहा है आपका साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन फोर. तो फोर पूरा एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ फोर आ जाएगा आपका, फोर अंडर रूट के बाहर वन बाई टू. अब एक कॉस स्क्वायर एक साइन स्क्वायर बना लेते हैं वन, बाकी यहाँ कितना बच गया, तीन कॉस स्क्वायर बच जाएगा, तो थ्री कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये आपकी बन जाएगी एवरेज वेलोसिटी, कितने टाइम की, टी बाई टू टाइम की, जब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचता है. सो योर आंसर विल बी एक 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 पॉइंट मिस हो गया यहाँ पे. जब हम आर का स्क्वायर करेंगे तो आर के अंदर तो यू स्क्वायर ऑलरेडी होता है और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो एक यू स्क्वायर यहाँ पे एक्स्ट्रा रहेगा. इसी तरह H में यू स्क्वायर ऑलरेडी होता है तो एक यू स्क्वायर और रहेगा यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे U बाहर आ जाएगा. तो यहाँ पे ये U होगा, तो U बाई टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा. सो योर आंसर विल बी सी पार्ट.